नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ घर पर परफेक्ट दही कैसे जमाए जाते हैं उसी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे दही जमाना बहुत ही आसान है, हर कोई जमा सकते हैं और जमाते भी हैं, लेकिन किसी किसी के मुंह से सुने हैं कि मुझसे दही अच्छी नहीं जमती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दही जमाने के लिए हम अपने ज़रूरत के अनुसार से दूध लेंगे और दही लेंगे जामन या जोरन के लिए 1 चम्मच 1 लीटर में। यहाँ पर मैंने दही जमाने के लिए 1 लीटर पैकेट का दूध लिए हैं, यदि आपके पास भैंसी का दूध है तो वो भी ले सकते हैं। और दही लिए हैं जामन या जोरन के लिए 1 चम्मच लिए हैं। तो चलिए दही जमाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके ये पतीले चढ़ा लिए हैं गैस पर, और अब 1 चम्मच की सहायता से अथवा 1 पैचुला की सहायता से इस तरह से दूध को चला देंगे एक बार। और इस बर्तन में दूध रखने से पहले मैंने 1 चम्मच पानी पहले डाल लिए थे बर्तन में। इससे क्या होता है कि दूध नीचे जलता नहीं है, और दूध उबालने के लिए हमेशा भारी तले के बर्तन ही लेंगे। तो अब दूध को उबलने देते हैं। तो देखिए दूध उबल चुका है, गैस को सिम कर लेते हैं और इस पैचुला से ही इसे इस तरह से चलाते हुए थोड़ी देर चलाएंगे, 1.5-2 मिनट के लिए। इस तरह से करने से दही स्पंजी और मलाईदार जमेगी, तो इस तरह से जरूर कीजिएगा आप। तो 2 मिनट दूध को इस तरह से चलाते हुए लो फ्लेम पर उबाल लिए हैं। दूध हमारा तैयार हो चुका है, गैस ऑफ कर देते हैं और दूध को ठंडा होने देते हैं। इस तरह उबलते दूध में हमें जोरन नहीं डालना है, नहीं तो फट जाएगा दूध। तो देखिए अब दूध ठंडा हो चुका है, और दही जमाने के लिए हमें दूध को पूरी तरह से ठंडा भी नहीं होने देना है। हमें दूध में उंगली डालते समय आभास हो कि ये थोड़ा सा गर्म है। यदि आप सर्दी में दही जमा रहे हैं तो दूध 30% गर्म हो तब जोरन डालें, और गर्मी में जमा रहे हैं तो 20% दूध गर्म हो तब जोरन डालें। तो अब चलिए ये दूध परफेक्ट है दही जमाने के लिए। अब डाल लेते हैं 1 स्ट्रॉल में, इसे हॉट केस भी बोलते हैं। इसमें दही परफेक्ट जमती है, इसमें कभी भी कैसे भी डाल दीजिए, दही बहुत ही अच्छी जम जाती है। अब इनमें 1 चम्मच की सहायता से जामन जोरन, जो भी जान नाम से आप जानते हो, इस तरह से डाल लेंगे, चला लेंगे, ज़्यादा चलाना भी नहीं है, एक बार इस तरह से चला देंगे और इसका ढक्कन बंद करके इन्हें उठाकर किसी साइड में रख देंगे जहाँ पर आपको बार बार चलाना ना पड़े, या किसी अलमारी अथवा ओवन में बिना जलाए रख देंगे। तो बहुत ही आसानी से 3-4 घंटे में दही जम जाते हैं। इसे हमारे यहाँ माँ दादी बोलती थी कि एक ही दिन की जमी हुई दही नहीं खानी चाहिए, तो मैं वही नियम अपनाती हूँ अभी तक। जब भी कभी मैं दही जमाती हूँ तो रात को ही जमाती हूँ, और सुबह कल होकर चाहे तो 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ तो और भी बढ़िया से जम जाती है दही। तो देखिए ये दही कितनी अच्छी जमी है, बहुत ही परफेक्ट दही जमी है, और इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे तो और भी अच्छी तरह से जम जाएगी। ये है ना परफेक्ट दही जमा हुआ। तो आप इस तरह से घर पर दही जमा कर इस्तेमाल कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।